राइट, सो स्टार्टिंग विद टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है. सो गुप्ता पीरियड के अंदर ये टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो हम कह सकते हैं कि बिगिन होता है, ठीक है. एंड पांच फेसेस में ये ब्रॉडली डेवलप होता है, ठीक है. सो फर्स्ट फेज वॉज स्क्वायर बिल्डिंग विद फ्लैट रूफ टेम्पल, ठीक है. तो पूरा का पूरा स्क्वायर टेम्पल का जो प्रमाइसिस था स्क्वायर शेप में होता है. एंड जो रूफ होती है, जैसे हम बात करते हैं ना कि एक आर्चिंग शेप होता है या फिर एक रेखा देवल वगैरह जो होता है जो आगे हम देखेंगे, तो वैसा कुछ नहीं था, सिंपल फ्लैट रूफ बना दिया, ठीक है, कमरे जैसा. तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लो इसके, तो कनकली देवी टेम्पल एट तिगवा एंड विष्णु वरा टेम्पल एट ईरान, ठीक है. तो ये ईरान वगैरह जो ये अभी करंटली एमपी के अंदर पड़ता है. सो जो न्यूक्लियस होता था टेम्पल का, जिसको सेंक्टम सेंक्टोरम बोलते हैं या गर्भगृह बोलते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है. सो वो एकदम सेंटर में होता था और एक पोर्च होता था. पोर्च मतलब कि एक काइंड ऑफ रूफ कह सकते हैं, जिसको आगे चल के हम मंडपा के तौर पे देखेंगे एंड वो बहुत इलेबरेट होगा, ठीक है. तो ये अर्ध मंडपा वाला जो सॉरी मंडपा वाला जो सिस्टम था वो शुरू हो गया था. तो ये यहाँ पे एक इमेज में देख सकते हो, ठीक है. ये नाचना कुथरा टेम्पल है, ये इसका एक एग्जाम्पल है. आई होल के अंदर लाड खान टेम्पल है, ठीक है. तो ये इमेज जो है ये वो लाड खान टेम्पल का ही है. सो यहाँ पे अगेन फ्लैट रूफ का एक एग्जाम्पल है, बट टाइम पीरियड इनके अलग अलग है. गुप्ता वाला काफी पहले था, ये चालुक्य डायनेस्टी का था, तो ये थोड़ा काफी लेट था उनके बाद था, ठीक है. नेक्स्ट इलेबरेशन हुआ, तो इसमें नया एडिशन क्या हुआ, प्रदक्षिणा पथ लग गया. प्रदक्षिणा मतलब एम्बुलेटरी, मीनिंग कि आप वो मंदिर के चारों ओर परिक्रमा कर सकते हो, ठीक है. वो जो गर्भगृह था उसके अराउंड. तो कुछ फेमस एग्जाम्पल इसके हैं, शिवा टेम्पल एट बुमरा एमपी एंड लाड खान एट आई होल, ठीक है. तो ये आई होल वाला टेम्पल है, ये जो इमेज दिया हुआ. नेक्स्ट, अब धीरे धीरे और डेवलपमेंट होने लगा, तो जो स्क्वायर टावर था उसके अंदर थोड़े पिलर्स आने लगे, प्लेटफॉर्म थोड़ा हाई हो गया, ठीक है. तो इनिशियली जैसे पहले ग्राउंड पे बना हुआ था, लेकिन फिर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनने लगा. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, दश अवतार टेम्पल एट देवगढ़ झांसी, जो कि यूपी में, ठीक है. एंड ब्रिक टेम्पल एट भीतरगांव कानपुर, ठीक है. दोनों यूपी में है ये इम्पोर्टेंट टेम्पल, तो ये याद रखना. दश अवतार वाला थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक आज शायद पीवाई की उसमें पहले पूछा हुआ है. तो दश अवतार टेम्पल जो है वो देखना है इसके अंदर. नेक्स्ट, द मोस्ट यूनिक अचीवमेंट ऑफ दिस स्टेज वॉज कर्वलिनियर टावर, मतलब शिखरा का भी यहाँ से डेवलपमेंट होना शुरू हुआ. एंड यहीं से जो नगरा स्टाइल का जो लैंडमार्क फीचर होता है ये शिखरा वाला, वो बिगिन हुआ, ठीक है. उसके बाद दो और फेज थे, बट नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट पता होना चाहिए क्या था. तो एक रेक्टेंगुलर टेम्पल डिजाइन चालू हुआ विद एप्साइडल बैक. तो एप्साइडल का मतलब क्या होता है कि जो मंदिर का जो बैक है वो थोड़ा सा ऐसा हॉर्सशू हो गया, ठीक है. तो यहाँ पर मोस्टली वो जो गर्भगृह होता था वो यहाँ सेंटर में लोकेटेड होता था, ठीक है. सो ये चीज था. नेक्स्ट, बैरल वॉल्टेड अच्छा, रूफ. तो इसमें क्या होता था एक्चुअली, वो स्क्वायर ही था. लाइक यू नो हाउ दिस फोर्थ स्टेज रेक्टेंगुलर हैज कम, वो स्क्वायर ही था. थोड़ा वो मंडपा एक्सटेंड होके, लाइक द स्क्वायर गर्भगृह एंड थोड़ा आगे प्लेटफॉर्म था वो मंडपा, सब मिलके इट हैज बिकम रेक्टेंगुलर. राइट, मतलब रेक्टेंगुलर ही था, बट उसमें जो गर्भ गया तो थोड़ा एप्साइडल इस फॉर्म में हो गया कि कर्वलीनियर दिखाने लगे थे, ठीक है. सो एग्जाम्पल क्या है इसका, कपोटेश्वरा टेम्पल एट सिजला कृष्णा डिस्ट्रिक्ट. तो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट मॉडर्न डे जो आंध्र प्रदेश है वहां पे है, ठीक है. तो वो एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, सर्कुलर टेम्पल विद शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है. तो अब टेम्पल थोड़ा सा सर्कुलर होने लगे थे, तो ये देख सकते हो मनियार मठ एट राजगृह बिहार. तो ये कुछ एग्जाम्पल थे. तो थर्ड और फोर्थ स्टेज सॉरी फोर्थ और फिफ्थ स्टेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ इस एटलीस्ट इन दो फेजेस का. बाकी हमने देखा जो थर्ड फेजेस में जो शिखरा है उसी को यूज करके फर्दर डेवलपमेंट किया गया था, ठीक है. सो ये चीज याद रख सकते हैं. तो ब्रॉडली क्लासिफाई करें हम लोग. हाँ सर, इसमें वो दशावतार टेम्पल था ना, तो ऐसे करके दशावतार करके आई थिंक थिएटर भी है, वो गोवा का है आई थिंक. और ईरान इंस्क्रिप्शन था ना ऊपर वो, तो ईरान इंस्क्रिप्शन भी है, तो गुप्ता पीरियड का. तो उसमें सती प्रथा स्टार्ट हो गई थी गुप्ता पीरियड में, ये लिखा था. ईरान इंस्क्रिप्शन था गुप्ता पीरियड से रिलेटेड, एंड इसमें जिक्र मिलता है कि सती प्रथा हो रही थी,
ठीक है, तो ये चीज भी याद रख सकते हो। वैसे तो हम जानते हैं सती तो हो ही रही थी, लेकिन इसका जो प्रूफ था वो ईरान इंस्क्रिप्शन से मिलता है। ठीक है, ऑलराइट। तो स्टाइल ऑफ टेंपल ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो दो ब्रॉड स्कूल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, नागरा और द्रविड़ा। तो नागरा एन से देख लेना, नॉर्थ ऐसा करके याद रख सकते हो। ठीक है, सो नॉर्थ इंडिया में फेमस हुआ था, एंड यहाँ पे स्क्वायर टेम्पल्स बनते थे विद ग्रेजुएटेड प्रोजेक्शंस। ठीक है, उनमें थोड़े थोड़े करके प्रोजेक्शंस निकले रहते थे जिनको रथकाज कहते थे। ठीक है, जो जिसकी वजह से क्रूसीफॉर्म पूरे का पूरा मंदिर का एक क्रूसीफॉर्म फॉर्म बन जाता था। क्रूसीफॉर्म मतलब एक क्रॉस शेप बन जाता था। ठीक है, इस टाइप से। सो इसमें जो टावर होते थे उनको शिखरा बोलते थे, जो कि ग्रेजुअली इनवर्ड कर्व करते थे, एंड उन शिखरास के ऊपर एक टॉप पे एक सर्कुलर डिस्क रहता था जिसको अमलक बोलते थे। ठीक है, तो एक बार ये फिगर देख लो। तो यहाँ पे को बोलते हैं सेंक्टम सेंक्टोरम। ठीक है, जहाँ पे जो मेन डाइटी थे उनको प्लेस किया जाता था। ठीक है, सो वो चीज था गर्भगृह, और गर्भगृह के एकदम ऊपर हम देखते हैं शिखरा। ठीक है, गर्भगृह के ऊपर जो मेन शिखरा होता था वो रहता था, एंड शिखर के ऊपर ये एक सर्कुलर डिस्क है विच वॉज कॉल्ड अमलक। ठीक है, एंड सर्कुलर डिस्क के ऊपर फिर ऊपर कुछ कलश लगे रहते हैं। ठीक है, कलश उनको बोलते हैं, मतलब कलश ही बोलते हैं, कलश मतलब वो एक पॉट टाइप का हो गया, गोल्डन पॉट्स रहते थे ऐसे। ठीक है, एंड गर्भगृह में जाने के लिए जो रास्ता होता था फ्रॉम दीज मंडप उसको बोलते थे अंतराला। ठीक है, तो एक पैसेज भी होता था जो कनेक्ट करता था मंडप को विद द गर्भगृह। तो इस पैसेज को अंतराला बोलते थे, एंड अंतराला से थोड़ा सा और आगे हम जाएंगे तो वहां पे मंडपा अर्ध मंडपा इस टाइप के चीजें हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, तो एक PYQ भी आया हुआ था इसी सेंस में, अर्ध मंडप सॉरी कल्याण मंडपा कहाँ देखने को मिलता है, तो वो कृष्ण देव राय जो था वो उसका आंसर था। ठीक है, एंड ये पूरा का पूरा जो मंदिर है नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनता है। ठीक है, तो ये रेज्ड प्लेटफॉर्म जो होता है इसको बोलते हैं जगती। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं सिंपल है, पता होने चाहिए क्या है, तो ये एक बार फिगर के थ्रू क्लियर हो जाएगा। राइट, सो वापस आते हैं इस पे। तो शिखरा एंड अमलका हमने देख लिया, अब देखते हैं इसके अंदर जो कंपोनेंट्स थे इसके। ठीक है, उनको सो फर्स्ट वाज रेखा प्रसादा और लैटिना। तो लैटिना जो था वो एक तरीके का जो शिखरा था उसके स्टाइल को भी बोलते थे। तो इसके जो सब स्कूल हुए बाद में नगरा स्टाइल के जो सब स्कूल हुए उनमें ये जो शिखर का ही एक मेजर डिफरेंस था कि कैसे वो डिफरेंट था, एंड उसकी वजह से वो एक सब स्कूल बन गया। ठीक है, सो नाम याद रखना, लैटिना आ गया, रेखा प्रसाद आ गया, तो ये टाइप ऑफ शिखर है। ठीक है, तो अभी जो एग्जाम्पल देखा था ना इमेज में, ये जो रेखा प्रसादा या लैटिना स्टाइल का ही था कि सिंपल एकदम ऊपर ऊपर जा रहा है और अंदर की तरफ कर्व कर रहा है। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट फमसाना की बात करते हैं। तो फमसाना वॉज स्लाइटली शॉर्टर एंड मोर ब्रॉडर देन लैटिना स्टाइल। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, धीरे धीरे वो राइज कर रहा था, एंड वो धीरे धीरे राइज कर रहा था तो वो ब्रॉड ज्यादा हो रहा था। तो यूजुअली जो फमसाना है ना, इसको जो अर्ध मंडप है या जो मंडप के ऊपर का जो रूफ बनाना होता था उसके लिए यूज करते थे। जो मेन गर्भगृह होता था वो ये रेखा देवल टाइप का ही होता था, लेकिन जो पमसाना था वो अर्ध मंडप या मंडप के लिए यूज कर सकते थे। जैसे इस इमेज में देखा तो ये क्या है, ये रेखा देउल जो है वो एग्जैक्टली गर्भगृह के ऊपर है, लेकिन जो बाकी टावर्स हैं वो इससे छोटे हैं। ठीक है, और ब्रॉडर भी हैं। तो आइडिया यही था कि पमसाना मोस्टली ये मंडपास और इनके लिए यूज हो रहा था, बट कुछ टेम्पल में वो एज अ मेन बिल्डिंग भी यूज हुआ है। ठीक है, तो वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एक और टाइप का शिखरा डेवलप हो रहा था कॉल्ड वलाभी स्टाइल। ठीक है, तो वलाभी में क्या हो रहा था, रूफ थोड़ा वोल्टेड चेम्बर जैसा था, जैसे संदूक होता है ना पुराने टाइम के, लकड़ी के बॉक्सेस देखे होंगे, तो वैसा उनका वोल्टेड रूफ रहता था। ठीक है, स्लैब्स एक 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 के ऊपर एक, जिसकी वजह से वो वोल्टेड रहता था। तो ये नंदा देवी या नव दुर्गा जो टेम्पल है जोगेश्वर धाम के अंदर, जिस इन उत्तराखंड। ठीक है, तो वो इसका एक एग्जाम्पल है वल्लभी स्टाइल का। ठीक है, तो ये तीन मेजर टाइप थे, रेखा प्रसादा, फमसाना और वल्लभी। ठीक है, नेक्स्ट एक सब स्कूल पे चलते हैं। तो उड़ीसा सब स्कूल है, तो मंदिर बता सकते हो इसके अंदर कौन कौन से बने थे उड़ीसा स्कूल के अंदर?
एक सन टेम्पल. है राइट, करेक्ट, कोणार्क और सन. टेम्पल एक है, लिंगराज और टेम्पल भी था ना भुवनेश्वर का. करेक्ट करेक्ट. करेक्ट तो ये सब बने थे. ठीक है, तो इसके अंदर क्लासिफाई करते हैं हम लोग एज रेखा पिदा पिदा देवल खाकरा. तो ये याद रखना, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो ये किस चीज से रिलेट करें, ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल से रिलेट कर रहे हैं. सो मॉडर्न डे जो कलिंगा वाला साइड है, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर पूरी कोणार्क, ये इन सब जगह पे ये बने थे टेम्पल्स. ठीक है, सो इसके अंदर जो शिखरा था उनके लिए यूनिक नाम यूज होता था देउल करके. ठीक है, तो देउल पढ़ोगे तो समझ जाना कि देउल हम ओडिशा स्कूल ऑफ आर्ट टेम्पल्स की बात कर रहे हैं. सो देउल्स प्रिसाइडेड एज यूजुअल बाय मंडप्स. ठीक है, वही सेम सीक्वेंस चल रहा था मंदिर का, कि पहले वो जो शिखरा है, जो यहाँ पे देउल है, उसके बाद मंडप्स आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मंडप्स के लिए एक यूनिक नाम यूज किया जाता था. कोई नाम बता सकता है क्या नाम यूज करते थे मंडप्स के लिए नगरा उड़ीसा स्कूल में? जगमोहन. करेक्ट, तो ये याद रखना जगमोहन यूज करते थे. ठीक है, क्योंकि इस टाइप के सिंपल टर्म्स ही यूपीसी ने पूछ लिया, कि कल्याण मंडप पूछ लिया, तो वो नहीं पढ़ा हुआ ना, वो वर्ड दिमाग में नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है वहां करना. ठीक है, तो जगमोहन मंडप्स के लिए यूज करते थे वर्ड. एंड ग्राउंड प्लान जो था वो पहले, जैसे जैसे हम बात कर रहे थे, नगरा में थोड़ा सा रेक्टेंगल होता था, यहाँ पे ऑलवेज स्क्वायर होता था. ठीक है, एंड जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाता था, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती जाती थी, वो सर्कुलर होता जाता था. ठीक है, तो सन कोणार्क वाला टेम्पल देखा ना, तो एकदम सर्कुलर देखने को मिलता है वो अपेयरेंस में. तो वो कुछ एग्जाम्पल है इसके. एंड अगेन ये भी एक रेस प्लेटफॉर्म पे ही बनाए जाते थे. ठीक है, तो जगती वाला जो हमने आइडिया देखा वही चीज था. एंड उड़ीसा में टेम्पल्स में एक बाउंड्री वॉल होता था. ठीक है, ऐसा बाउंड्री वॉल हमें द्राविड़ा में देखने को मिलता है प्रोमिनेंटली. जो बाकी नगरा स्टाइल में, उनमें इतना बाउंड्री वॉल का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट यहाँ उड़ीसा वाले के अंदर बाउंड्री वॉल का कॉन्सेप्ट है. तो कोणार्क टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, लिंगराज, ये सारे के सारे उड़ीसा के अंदर ही. ठीक है, ये जगन्नाथ नेक्स्ट. टेम्पल में नौ नौ कलेवार फेस्टिवल एक होता है, उसमें एवरी 12th ईयर वो आइडॉल चेंज किए जाते हैं, बड़ा फेस्टिवल होता है उनका वो जगन्नाथ टेम्पल पुरी में। राइट, ओके. सो नेक्स्ट है खजुराहो चंदेल स्कूल. ठीक है, तो ये अभी जो मॉडर्न डे बुंदेलखंड का रीजन है, जो कि यूपी और एमपी को कवर करता है अभी. ठीक है, तो ये रीजन भी पता होना चाहिए, कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि ये विदर्भा कहाँ है, कच्छ कहाँ है, बुंदेलखंड कहाँ है, बघेलखंड कहाँ है. तो उस सेंस में ये बुंदेलखंड वाला रीजन जो है मॉडर्न डे यूपी और एमपी का जो झांसी वाला एरिया है उसको कह सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे डायनेस्टी थी राजपूत डायनेस्टी कॉल्ड चंदेलास. ठीक है, उन्होंने रूल किया था. और यहाँ पे खजुराहो टेम्पल जो था, उनका खजुराहो कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हजारों मंदिर बनाए गए थे. ठीक है, एंड अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ऑल ऑफ दीज टेम्पल्स वर रिलेटिंग टू हिंदुज्म, तो ट्रू होगा? फॉल्स. है इसमें कौन से टेम्पल है? जैन टेंपल्स भी है इसमें, करेक्ट. बौद्धिज्म भी है क्या? नहीं हिंदू प्लस जैन. हिंदू एंड करेक्ट, तो हिंदूज और जैन जो टेम्पल थे वही बनाए हुए हैं. ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना इसके अंदर. सो खजुराहो जो है अभी मॉडर्न डे एमपी के अंदर आ जाएगा. ठीक है, सो कंडारिया महादेव एक इम्पोर्टेंट टेम्पल था, और मोस्टली जो टेम्पल्स थे थोड़ा इरोटिक पेंटिंग्स, मतलब इरोटिक स्कल्पचर्स इस पे बनाए हुए थे. एंड ज्यादातर जो डोमिनेंट देख सकते हैं हम हिंदुइज्म के ट्रेडिशन में, तो मोस्टली शिवा टेम्पल, शिवा को डोमिनेटेड, शिवा को रीच कर रहे थे. ठीक है, सो कंडारिया महादेव एक इम्पोर्टेंट टेम्पल है इसके अंदर. एंड ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका भी पार्ट है ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सो ये था. तो इसके अंदर वही श्राइन रूम, असेंबली हॉल, एक एंट्रेंस पोर्टिको होता था. एंट्रेंस पोर्टिको मतलब वो एक ऊपर छज्जा जैसा बना के रखते थे. ठीक है, एंट्रेंस के टाइम. सो सेपरेट जो अलग अलग पार्ट्स थे उनके अंदर, वो एक नैरो चेम्बर के थ्रू, ट्यूब, वेस्ट ट्यूबल्स बोलते थे. ठीक है, उसके थ्रू कनेक्टेड रहते थे. एंड शिखरा वॉज कवर्ड फॉर इज होल लेंथ, एंड मिनिएचर शिखरा अमर्ज फ्रॉम सेंट्रल टावर. ठीक है, तो आइडिया वही था, जो शिखरा था उसके बाद छोटे छोटे
जो हमने देखा था ना, जैसे फमसाना टाइप के वो बना देते थे रूफ्स, तो वो ऐसा लगता था दूर से देखने पे कि माउंटेन रेंजेस है, तो इस टाइप का वो स्ट्रक्चर बना के रखते थे। एंड मोस्टली पूरा का पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स में इसी टाइप की आर्किटेक्चर का यूज किया गया है, ठीक है। सो वो था। एंड अभी रिसेंटली भी हमने कोई सीरीज करी थी, टेस्ट सीरीज करी थी, तो वहां पे ये था कि को एब्सेंस था पैसेज में या अंतराला के अंदर किसी और गॉड गॉडेस का, तो ऐसा नहीं था। यहाँ पे जितने भी गर्भगृह का जो एंट्रेंस होता था वहां पे मिथुन का फिगर हो गया, जैसे एम्ब्रेसिंग कपल, या फिर और कई यक्षिणी, यक्ष या गंगा रिवर, इन सब के एंट्रेंस के ऊपर फिगरीन बने रहते थे, ठीक है। सो ये था। यूजली दे वर प्लेस्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल और ऑन इन द एक्सटीरियर वॉल, और दे मे बी प्लेस्ड ऑन द वॉल बिटवीन मंडपा एंड द मेन स्टैंड, ठीक है। तो ऐसे वो ये जो वेलकम करने वाले ऐसा गॉडेस या फिगर्स थे वो बना रखे थे, ठीक है। सो एक पंचयातन स्टाइल यूज होता था, कोई बता सकता पंचयातन क्या था? पंचयातन यस यस सर, पंचयातन में एक मेन मंदिर होता है और उसके चारों तरफ में उसी के जैसा छोटा छोटा छोटे छोटे मंदिर होते हैं जो चारों तरफ कॉर्नर पे स्टेब्लिश होते हैं। मतलब मेन मंदिर होते हैं मेन क्या, या जो जो आई बीच थिंक वाली आइडल मंदिर होते होती हैं है, उसके साइड में। जो बीच वाली मंदिर होती है वो मेन गॉडेस की होती है और चारों तरफ में वो सब्सिडियरी, मतलब कह सकते हैं ऐसा। मतलब ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर गर्भगृह में जो मेन डाइटी होते हैं उनके बाकी जो चार सराउंडिंग होते हैं उनमें और सब्सिडियरी गॉड बोल सकते हैं, ठीक है, कि उनको रखा जाता है कि हाँ मेन मंदिर जो है वो जो गर्भगृह में है उन्हीं का ही है, लेकिन और भी गॉड्स आसपास प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये पंचयातन स्टाइल था, तो ये भी नगरा इसके अंदर आर्किटेक्चर में पॉपुलर था, ठीक है। इसे कुछ और ऐड करना है क्या? ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ तो सर इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, चंडेला स्टाइल और खजुराहो स्टाइल का। तो इसमें वो अभी क्वेश्चन आया था, 64 योगिनी टेम्पल भी इसमें ही आता है, वो मोरना एमपी में पड़ता है। और एक मोरेना एमपी। पार्श्वनाथ टेम्पल, हाँ एक पार्श्वनाथ टेम्पल है और एक घेंटा टेम्पल है इसमें खजुराहो में, वो जैन टेम्पल्स हैं। मोरेना एमपी के अंदर है, एंड यही 64 योगिनी जो टेम्पल है ना, इसी से ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी, पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है वो ये 64 योगिनी टेम्पल से ही डिजाइन करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा सेमी सर्कुलर है वो मंदिर, एंड बहुत सारे ऐसे पिलर्स बने हुए हैं, ठीक है। वो चीज है, आई गेस सर फिगर भी देख ही लेते हैं। जबलपुर में शायद, जबलपुर में है क्या? यस मितवनी। मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही है। अच्छा, हाँ फिर तो सही होगा। तो ये देख लो, ये वाला है, तो इसी टाइप का पार्लियामेंट का बिल्डिंग भी देखने को मिलता है हम लोगों को, राइट। टूटी टूटी मूर्ति है इस मंदिर में, मतलब मुगल आर्किटेक्चर के टाइम, मुगल्स के टाइम पे का टेम्पल है ये। मतलब मूर्ति उन्होंने तोड़वा दी थी, अंदर एक जो मूर्ति थी वो नहीं तोड़वा पाई थी उन्होंने मुगल। ठीक है, ऑलराइट। तो ये वाला आई थिंक याद रख सकते हैं। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, सोलंकी स्कूल। तो सोलंकी स्कूल कहाँ पे डोमिनेंट था, मतलब अगर इंडिया का रीजन वाइज क्लासिफाई करें तो कहाँ पे डोमिनेंट थे ये लोग? गुजरात गुजरात में थे, एंड मतलब मोस्टली गुजरात ही था, ठीक है। तो दे फ्लरिश अराउंड 11th to 13th century, ठीक है। एंड इन्होंने पेट्रनाइज किया था ये नगर टेम्पल आर्किटेक्चर को, नगरा स्टाइल को, तो ये भी एक वेरिएंट ही है नगरा स्टाइल का। सो यहाँ पे विमला, तेजपाल, वस्तुपाला टेम्पल माउंट आबू के अंदर देखने को मिलते हैं। तो माउंट आबू जो है वो राजस्थान में पड़ता है, एंड माउंट आबू जो है इसी के आसपास गुरु शिखर पड़ता है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, ठीक है। ऐसा करके भी याद रख सकते हैं। सो इनका जो एक आउटस्टैंडिंग फीचर था वो ये था कि इनके टेम्पल्स में कुंड रहते थे। कुंड मतलब वेल्स, ठीक है, बावली टाइप के रहते थे जो कि पानी वगैरह जिसमें स्टोर रहता था, ठीक है, ये स्टेप वेल्स रहते थे। तो ये एक फेमस फीचर था। तो सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑन टेम्पल्स डिस्कस कर रहे थे, तो मोटेरा में है, विच इज क्लोज टू अहमदाबाद रीजन, ठीक
है, अहमदाबाद जो सिटी है उसके आसपास ये है मोटेरा भी। सो इट डेट्स बैक टू अर्ली 11th सेंचुरी एंड वॉज बिल्ड बाय राजा भीमदेव वन। ठीक है, तो ये आई थिंक इम्पोर्टेंट रूलर थे, इनको याद रख सकते हो, राजा भीमदेव वन को, क्योंकि इनके अराउंड शायद गजनी वगैरह भी इंडिया में आक्रमण करता है कई बार। ठीक है, तो दैट्स वाई थोड़े से इम्पोर्टेंट है ये, इनको याद रखना। सो ये चालुक्यास की ब्रांच थी, ये जो सोलंकीज थे, एंड इम्पोर्टेंट फीचर सूरज कुंड था, मतलब ये स्टेपवेल देख सकते हो, एंड ये स्टेपवेल में मोस्टली जो सैंडस्टोन थे, सेडिमेंटरी रॉक्स, वो यूज करते थे बनाने में। ठीक है, सो ये इसके अंदर ये एक जो मोटेरा सन टेम्पल है, इसमें 100 स्क्वायर मीटर का एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, विच इज द ग्रैंडेस्ट टेम्पल एंक इन इंडिया। ठीक है, और अबाउट 108 मिनिएचर श्राइन्स वर कार्व्ड आउट इन बिटवीन द स्टेप्स इनसाइड द टेम्पल। ठीक है, सो ये छोटे छोटे स्टेप वेल्स के बीच में आप देख रहे हो, इसके अंदर भी फर्दर गॉड्स और गॉडेसेस के छोटे छोटे श्राइन्स बनाए हुए थे, तो उस सेंस में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक ह्यूज ऑर्नामेंटल आर्च तोरण बनाते थे, विच वॉज लीडिंग टू सभा मंडपा। ठीक है, सो एक बार आई गेस थोड़ा सा और बेटर लुक ले लें इस पे। सन टेम्पल, ठीक है, तो ये देखो, ये वाला एक तोरण टाइप का बना देते थे कि ये आगे निकला हुआ है और ये जो मंडपा है उसके अंदर एंट्री दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज बताया हुआ यहाँ पे कि आर्च तोरण करके बनाते थे, विच वॉज लीडिंग अप टू सभा तोरण, वो असेंबली हॉल होता था। ठीक है, एंड इसके अंदर एक हैवी इन्फ्लुएंस देखने में कम मिलता है वुड कार्विंग का भी। ठीक है, वुड कार्विंग भी काफी अच्छे तरीके से किया गया था। हावेवर द वॉल्स ऑफ टेम्पल सेंट्रल स्मॉल श्राइन वर डिवॉइड ऑफ कार्विंग एंड लेफ्ट प्लेन। ठीक है, सो ऑल द पूरा मंदिर जो था वो काफी हेविली डेकोरेटेड रहता था, लेकिन जो गर्भगृह है उसके अंदर एज सच कोई कार्विंग नहीं होती थी, उसको एकदम प्लेन रखा गया था। ठीक है, एंड इसमें खास बात यह थी क्योंकि ये सन टेम्पल है। ठीक है, तो सन से रिलेटेड कुछ इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी, तो टेम्पल हमेशा फेस करता था ईस्ट को, एंड एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ इक्विनॉक्स द सन डायरेक्टली केम इन टू द सेंट्रल श्राइन। तो इक्विनॉक्स के डेट क्या होते हैं और इक्विनॉक्स होता क्या है ये बताओ। When northern hemisphere and southern hemisphere are at equal distance with the sun, मतलब कह सकते हो कि इक्वेटर पे है सन, और करें वो बराबर है, राइट। हाँ, तो डेट्स थोड़ा सा देख लेना। ये बोलो, सितंबर 21 मार्च 23 सितंबर। तो हर साल ये 2 दिन होता है जब ये सूरज जो होता है वो बराबर होता है, मतलब उसका जो इंसुलेशन है वो बराबर होता है ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो उस दिन इसके अंदर जो गर्भगृह है उसके अंदर डायरेक्ट लाइट आएगी। ठीक है, सो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर था इसके अंदर। ठीक है, तो विद दैट वी आर फिनिश विद नगरा स्टाइल। नेक्स्ट चलते हैं साउथ इंडियन आर्किटेक्चर पे, तो द्रविड़ा सर, स्टाइल था। ये यहाँ पे भी हिंदू टेम्पल्स थे और जैन टेम्पल्स थे, दोनों भी थे। एक दिलवाड़ा टेम्पल करके है ना माउंट आबू ने अबू में, वो करेक्ट जैन टेम्पल करेक्ट। है। तो याद रख सकते हैं दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में है, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल है जैन के लिए। ठीक है, एंड पूरा का पूरा व्हाइट मार्बल से बना है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। तो द्रविड़ा का ये था, तो मोस्टली अगर बात करें तो शुरू जो हुआ था ये तमिलनाडु में 7 से लेके 18 सेंचुरी तक ये इस पे वर्क प्रोग्रेस में था। ठीक है, एंड इट वॉज कैरेक्टराइज बाय पिरामिडल और कुटीना स्टाइल टावर। ठीक है, तो पिरामिडल मतलब एकदम जैसा हम नगरा स्टाइल में देख रहे थे, एक थोड़ा कर्वी लीनियर था और इनवर्ड कर्व कर रहा था, तो वैसा कुछ नहीं था, यहाँ पे पिरामिड शेप में थे। ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट ज्योमेट्रिकल लाइंस के बेसिस के ऊपर वो ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, और नैरो हो रहा था। सो बात करें फीचर्स की, तो स्क्वायर चेम्बर्ड रहते थे, सेंचुरी टॉप बाई सुपर स्ट्रक्चर टावर और स्पेयर और एन अटैच पिलर पोर्च और अ हॉल मंडपा एनक्लोज बाय पेरी स्टाइल्स ऑफ सेल्स विद रेक्टेंगुलर कोर। ठीक है, सो वो सेम सिमिलर था, बेसिक स्ट्रक्चर तो सिमिलर ही था कि एक रेक्टेंगुलर बेस होगा
मंडपा होगा और फिर उसके बाहर एक गेट रहेगा, ठीक है। सो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट फीचर ये था और मेन डिस्टिंक्शन कह सकते हैं फ्रॉम नगरा स्टाइल के, इसके अंदर बाउंड्री वॉल्स हुआ करते थे, ठीक है। और वो जो सुपर स्ट्रक्चर्स रहते थे उनको यहाँ पे कुटेना स्टाइल बोलते थे। एंड फर्दर अगर हम उसको बात करेंगे, जैसे हम वहाँ पे उसको शिखरा बोलते थे, तो यहाँ पे हम उसको विमान बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा डिफरेंस था। एंड ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन जो था ये कैन बी ऑब्जर्व इन द गुप्ता पीरियड ओनली, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड ऑल्दो वो नॉर्थ में फ्लरिश हो रहे थे, बट ये जो मंदिर है ये गुप्ता पीरियड के थोड़े अराउंड ही साउथ इंडिया में स्टैब्लिश होने लग गए थे, ठीक है। तो महाबलीपुरम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इन टेम्पल्स का, जो शोर टेम्पल है वहाँ का, ठीक है। सो वो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर लेटर चोलास के अंडर ये अपने पीक पे थे, ठीक है। ये द्रविड़ा स्टाइल अपने पीक पर था, ठीक है। सो आई थिंक हाईएस्ट टेम्पल इंडिया का भी शायद बृहदेश्वरा टेम्पल ही है, जो थंजावुर में था, जो राजा राजा वन ने बना जो राजा राजा ने बनाया था, ठीक है। सो वो इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट उनके बेटे राजेंद्र वन ने गंगाईकोंडा चोलापुरम बनाया था। तो कोई सिग्निफिकेंस बता सकता है गंगाईकोंडा चोलापुरम किस लिए बनाया था? एनीवन एनीवन आई गेस ये कोस्ट पे है ना। गैंगेटिक डेल्टा पे वो शायद विक्ट्री हुई थी, इसलिए वो दिखलाने के लिए। हाँ मतलब वो बेसिकली नॉर्थ साइड पे एक तरीके का अपना वो था कि नॉर्थ ऑफ गंगा को क्रॉस करके वहां पे विक्ट्री कर ली थी, तो उन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम, मतलब ऐसा नहीं कि उस तरह गंगा के आसपास बना था, ये कावेरी रिवर के पास ही बनाया गया था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिटी एस्टेब्लिश किया गया था एंड ये मंदिर उसी नाम से था, गंगाईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। मोस्टली कोंडा वगैरह जो वर्ड है ये विक्ट्री को डिनोट कर रहा था, ये जीत लिया इन लोगों ने, ठीक है। सो उस सेंस में था। सो एक फेमस फीचर क्या होता था, गोपुरम होते थे, ठीक है, गोपुरम करके। तो गोपुरम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, कोई बता सकते हैं व्हाट इज व्हाट आर गोपुरम्स? एंट्रेंस गेटवेज गेटवे करेक्ट। तो जो मंदिर में मेन गेटवे होता तो वो गोपुरम था। तो धीरे धीरे क्या होने लग गया कि गोपुरम पे ज्यादा फोकस होने लग गया, मतलब गर्भगृह के जो शिखर है उसकी हाइट पे इतना फोकस नहीं था जितना कि फोकस गोपुरम पे चला गया था। तो उसको बड़ा बड़ा बनाते गए थे, ठीक है। तो राय गोपुरम फेमस है, तो कृष्णदेवराय के टाइम भी था एंड वो पीक पे पहुंच गया था ये गोपुरम का जो आर्किटेक्चर है उस टाइम, ठीक है। सो ये विजयनगर का लिखा है, द गोपुरम इंक्रीज इन साइज सो दे डोमिनेटेड मच स्मॉलर टेम्पल इन साइड द एनक्लोजर, ठीक है। तो वो शिखरा से भी ऊपर चले जाते थे इसके अंदर। सो बिगिनिंग कहाँ से हुई थी? तो बिगिनिंग जो पलवा डायनेस्टी है उससे हुई थी। तो उसके एक इम्पोर्टेंट रूलर थे महेंद्रा वर्मन, ठीक है। सो महेंद्रा वर्मन के टाइम अगर बात करें तो इट बिगैन विद द रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है। तो उस टाइम इतना स्टोन कार्विंग के बारे में नॉलेज नहीं था, तो मंदिर जो थे वो लाइक काट काट के जो ब्लॉक्स थे पत्थर के वो काट काट नहीं रहते, सिंपल रॉक्स को जो केव्स थी उनको ही रिफर्बिश करके या उन्हीं उन्हीं में कार्विंग करके वो लोग मंदिर बना देते थे, ठीक है। और वर्ड मंडप यूज किया जाता था फॉर टेम्पल, ठीक है। तो ये चीज याद रख सकते हो। फिर नरसिम्हा वर्मन वन आए, ठीक है। तो उनके अंडर जो थे थोड़ा और एक्सक्यूजिट होने लग गया, डेकोरेशन होने लग गई, रॉक कट जो केव से थोड़ा सा हम आगे निकल गए एंड पूरे के पूरे जो रॉक बोल्डर्स थे उनके थ्रू हम मंदिर बनाते हैं, ठीक है। तो महाबलीपुरम या अभी शायद मामल्लापुरम बोलते हैं करंट के, तो मामल्लापुरम में 5 रथ टेम्पल है, ठीक है। सो वो सिंगल जो रॉक के ब्लॉक्स थे उनसे बनाए गए थे, ठीक है। सो ये याद रखना, ये रथ टेम्पल जो है ये फेमस है एंड उनमें सबसे बड़ा जो रथ टेम्पल था वो धर्मराज रथ था, ठीक है। प्रॉब्ली ये जो 5 पांडव थे उन्हीं को ध्यान में रख के ये बनाए गए थे। तो धर्मराज मीन्स युधिष्ठर, तो सबसे बड़ा था। एंड फिर स्मॉलेस्ट था इसमें द्रौपदी रथ, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट राजसीमा ग्रुप, तो इसके अंदर रियल जो डेवलपमेंट था टेम्पल्स का ये शुरू हुआ। एंड हम देखते हैं कि कई इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनते लाइक शो टेम्पल, ठीक है। तो शो टेम्पल एट महाबलीपुरा में ये सारे जो है कॉम्प्लेक्स आजू बाजू में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, ठीक है।
सो आई गेस इसका भी इमेज होना चाहिए। तो ये शिव टेम्पल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि काफी वर्क किया गया था इनके अंदर, ठीक है। तो ये पल्लवा डायनेस्टी के अंदर ही थे। इसके अलावा एक और हमने टेम्पल पढ़ा था, कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो। अभी हमने खंडारिया महादेव टेम्पल पढ़ा, वो कहाँ पे था? एमपी दैट करेक्ट, खजुराहो में था वो। चंदेल डायनेस्टी। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये देख लो, शिव टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, ये सारे गिवन है। आई गेस शायद इसने दोनों ही इमेज में एक ही यूज कर लिया है, ठीक है। फिर है नंदीवर्मन। तो नंदीवर्मन के अंदर जो आर्किटेक्चर था वो थोड़ा डिक्लाइन होने लग गया था, ठीक है। एंड बाकी सच कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ था। तो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स याद रख लेना, पलवा डायनेस्टी में ये शिव टेम्पल था, कैलाशनाथ टेम्पल था। इसके अलावा जो पांच रथ टेम्पल्स थे वही मामलापुरम में नरसिम्हा वर्मन वन के अंडर वो थे, एंड महेंद्र वर्मन के अंडर मोस्टली रॉक कट केव आर्किटेक्चर्स था, ठीक है। एंड जो टेम्पल का एज अ वर्ड था वो भी नहीं यूज हो रहा था। एंड चोलाज में हमने देख लिया, बृहदेश्वर टेम्पल हो गया, गंगाईकोंडा चोलापुरम हो गया। तो ये सब चोला डायनेस्टी के अंडर बने थे, एंड चोला के अंदर अपने पीक पे पहुंच गए थे ये, ठीक है। चोला डायनेस्टी अगेन स्कल्पचर्स के लिए भी बहुत फेमस था, एंड स्पेसिफिकली जो नटराजा के जो मूर्तियां बनाते थे, सॉरी फिगर फिगर बनाते थे, तो मोस्टली मेटल्स का यूज करके बनाते थे। और बहुत ही मतलब इसमें एक्सपर्टीज का लेवल भी बहुत हाई था, ठीक है। सो जो नटराजा है इसमें भी कई बार पूछ लेते कि इनके क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या बता रहे थे, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। सो ये नटराजा का जो पूरा का पूरा पोज है, ये इट्स एसोसिएटेड विद द कॉस्मिक वर्ल्ड, ठीक है। कैसे वो कॉस्मिक वर्ल्ड को बना रहे हैं, कैसे उसको बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दिस स्कल्पचर ही वॉज शोइंग हिज बैलेंस ऑन हिज राइट लेग, ठीक है। राइट लेग पे पूरा का पूरा बैलेंस थे, एंड सप्रेस कर रहे थे अपस्मारा को। तो अपस्मारा एक डीमन होता है रिप्रेजेंटिंग इग्नोरेंस, ठीक है। सो उसको एक फुट से दबा रहे थे। एट द सेम टाइम ही वॉज रेजिंग हिज लेफ्ट लेग इन भुजंग भुजंग रसिता स्टांस, विच मी विच रिप्रेजेंट त्रिभुवा दैट इज किकिंग अवे द वेल ऑफ माया, ठीक है। तो पाँव उठा हुआ है, तो ऐसा थोड़ा ऐसा याद रख सकते हो कि वो किसी चीज को लात मार रहे हैं। तो वो लात जो है वो माया या जो इल्यूजन है डिवोटीज के माइंड में, उसको भगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हैंड्स की बात करें तो इसमें याद रखना फोर आर्म्स थे इनके, एंड एक जो आता अभय मुद्रा में था। तो हमने कल जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट देखा था, तो वहां पे भी हमने पढ़ा था कि अभय मुद्रा के अंदर हाथ है। तो अभय मुद्रा का मतलब क्या होता है, बता सकता नॉट है? टू अफ्रेड करेक्ट, वो ये बताते हैं कि हाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो अभय मुद्रा था। तो एक हाथ जैसे कांग्रेस का हाथ होता है ना, वैसा एक रेज्ड है आगे। द अपर राइट हैंड होल्ड्स डमरू, ठीक है। तो डमरू उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, जिसके ऊपर वो बैलेंस करने की बात करते हैं वर्ल्ड को, ठीक है, बीट्स के ऊपर। नेक्स्ट, द अपर लेफ्ट हैंड इज इन डोला हस्ता एंड कनेक्ट्स विद अभय हस्ता ऑफ द राइट हैंड, ठीक है। सो वो चीज है। एंड नेक्स्ट, हिज हेयर्स फ्लॉक ऑन बोथ साइड टुगेदर टचिंग द ज्वालामाला और द गार्लैंड ऑफ फ्लेम विच सराउंड द एंटायर डांसिंग फिगरेशन, ठीक है। तो ये जो साइड में दिख रहे हैं ना छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकले हुए, तो ये सारा फ्लेम्स की माला है, ठीक है। तो ऐसा करके ये जो फीचर्स है वो सब याद रख सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इसमें? ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नायक का स्टाइल था ये। तो नायक यूजली जो फ्यूडेटरीज थे विजयनगर के, उनको बोलते थे, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे ही फॉल हुआ विजयनगर का, एंड उसके बाद ये टेम्पल आर्किटेक्चर राइज हुआ, एंड उन्होंने जो द्राविड़ा स्टाइल था उसको और आगे कंटिन्यू किया। एंड इस स्टाइल का एक इम्पोर्टेंट टेम्पल जो है वो मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल है, विच इज एट मदुरई, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल काफी फेमस है, ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो मीनाक्षी टेम्पल है, इसके अंदर दो श्राइन्स है। जो पहला है इट्स डेडिकेटेड टू शिवा, तो सुंदरेश्वरा करके रेफर करते हैं शिव जी को, एंड द सेकेंड वन टू हिज वाइफ मीनाक्षी, ठीक है। दैट्स व्हाई द टेम्पल इज कॉल्ड मीनाक्षी टेम्पल। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फीचर या एक
यूनिक फीचर क्या था, यहाँ पे एक एम्बुलेटरी जो है, यानी जो प्रदक्षिणा पथ है इसके अंदर काफी अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है। सो पराक्रम्स आर ह्यूज कॉरिडोर्स अलॉन्ग विद अ रूफ्ड एम्बुलेटरी पैसेज, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा प्रदक्षिणा करने के लिए एक पूरा का पूरा रास्ता बनाया जो कि पूरा कवर्ड है, ठीक है। सो ये एक यूनिक फीचर है, एंड ये अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता था ये जो पैसेज वे था, ठीक है। एंड बहुत सारी इंट्रिकेट कार्विंग करी है टेम्पल वॉल्स के ऊपर, एंड यहाँ पे भी एक टेम्पल टैंक है, ठीक है, जो कि विच इज स्लाइटली ऑफ द एक्सिस ऑफ द मेन टेम्पल इज अनदर इम्प्रेसिव फीचर। यूजली वो अलाइंड ही होता है टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ, बट यहाँ पे थोड़ा अलग है। एंड इट इज सराउंडेड बाई स्टेप्स एंड पिलर्ड पोर्टिको, द टैंक वॉज फॉर रिचुअल बाथिंग। आई गेस आगे नहीं है, एक बार देख लेता है मीनाक्षी टेम्पल को। इसमें ये है कि इट हैज द टॉलेस्ट गोपुरम इन द वर्ल्ड, जितना विमाना है उतना गोपुरम है। राइट, तो ये देख लो, ये तो उसका आई गेस गोपुरम है, ठीक है। एंड अपने आप में बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग करी गई है, मतलब पूरा का पूरा वो पिलर्स, सॉरी पिरामिडल स्ट्रक्चर है, एंड सब पूरे के ऊपर कार्विंग की गई है, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, और और इसमें ये जो ना हम कुछ म्यूजिकल कॉलम्स भी है, उससे वो सारेगामा साउंड्स आता है मीनाक्षी टेम्पल में। और ये देख लो, ये जो वो हम बात कर रहे थे ना पराक्रम, या मंदिर के अराउंड घूमते हैं हम लोग, तो वो वाला ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा रूफ्ड है, ठीक है। एम्बुलेटरी करेक्ट, एम्बुलेटरी। ऑलराइट, सो विजयनगर का ही एक तरीके से सब स्कूल था ये, एंड इन्होंने जो गोपुरम वाला जो था उसको बहुत हाई स्ट्रक्चर बनाने लग गए थे, एंड वही चीज आगे फॉलो हुआ, ठीक है। तो ये चीज याद रख सकते हो। इसके अलावा कई सेक्युलर बिल्डिंग्स भी बनी इसी स्टाइल पे, लाइक लोटस महल एक्सेट्रा। एंड टिपिकली विजयनगर पीरियड टेम्पल्स आर द अमाइंस अमान श्राइन मेल डाइटी ऑफ टेम्पल एंड कल्याण मंडप फॉर द एग्जीबिशन एंड वर्शिप, ठीक है। तो अमान श्राइन मेल डाइटी के लिए एंड कल्याण मंडपा फॉर एग्जीबिशन एंड वर्शिप, मतलब जब राजा वगैरह आते थे तो वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, तो उनके लिए सेपरेट स्ट्रक्चर रहता था, वो कल्याण मंडपा होता था, एंड यहाँ पे काफी सारे पिलर्स लगे रहते हैं। एक्चुअली कल्याण नेम इसलिए आया है, मतलब कल्याण मतलब मैरिज है, तो दे मैरिज ऑफ द गॉड दे यूज्ड टू बी कंडक्टेड इन द मेन हॉल फॉर द पीपल टू वॉच। राइट, तो इसी पे सवाल पूछा गया था, PYQ या कल्याण मंडपा किस कौन से उनसे रिलेटेड था, वो PYQ था, ठीक है। और राइट, नेक्स्ट चलते हैं विसारा और चालुक्या स्टाइल, या कर्नाटका स्टाइल भी बोल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो फीचर्स थे दोनों के यूज किए गए थे, नागरा के भी यूज किए गए थे, द्रविड़ा के भी यूज किए गए थे, ठीक है। सो ये विमाना मंडपा वाला जो कॉन्सेप्ट था ये द्रविड़ से लिया गया था, एंड जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना लाड खान टेम्पल जो फ्लैट रूफ वाला था, वो आई होल एक एग्जाम्पल है। टेम्पल्स एट बादामी एंड विरूपक्ष टेम्पल एट पड्डा पट्टा डाकल, ठीक है। सो ये पट्टा डाकल कौन से स्टेट में पड़ता है? कर्नाटका राइट, ठीक है। आई थिंक इस पे मालपुरा रिवर है, आई थिंक हाँ, पट्टाडकल ये में। थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दे माइट आस्क एज वेल, ये पट्टडकल पे या फिर आईहोले के पास कौन कौन से रिवर्स फ्लो करते हैं, ये थोड़ा मुझे भी नहीं पता। आई फाइंड आउट एंड आई विल पोस्ट। तो ये करेक्ट बोला, मालप्रभा रिवर है, और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, ठीक है। सो इस सेंस में दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मालप्रभा रिवर से हम्पी का पूछा था, तो हम्पी से कौन सी रिवर फ्लो करी थी? तुंगभद्रा, राइट तुंगभद्रा राइट राइट, तो मालप्रभा है यहाँ पर पट्टाडाकल से, और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक पार्ट है, ठीक है। So, ये याद रख सकता है। नेक्स्ट चलते हैं आर्किटेक्चर्स इन मिडिवल इंडिया। तो मिडिवल इंडिया में हम लोग देखते हैं इंडो इस्लामिक स्टाइल, ठीक है, वो काफी फेमस हो रहा था। तो 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है हम कह सकते हैं इस्लामिक इन्फ्लुएंस का एक तरीके से एंट्रेंस हो जाता है इंडिया में, बट ये अपना पीक में तब आता है जब हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गजनी, मतलब गजनी भी नहीं,
गौरी के टाइम से, यानी आफ्टर गौरी हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो इन्फ्लुएंस जो था मोस्टली नॉर्थ इंडिया में था, क्योंकि उसी एरिया से एंट्रेंस हुआ था इन लोगों का, ठीक है। सो इस्लामिक रूल की वजह से बहुत सारे जो ईरानियन हो गए या जो सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर्स थे वो इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है। सो द मेन एलिमेंट इन द इस्लामिक आर्किटेक्चर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड बीम, ठीक है। तो हमारे वाले में ये आर्च और बीम का कॉन्सेप्ट शुरू में नहीं था, एंड इसको बोलते हैं इट इज द आर्क्यूएट स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड जो ट्रेडिशनल था वो ट्रेबिएट था, ठीक है। तो ये दो टर्मिनोलॉजी है, पता होना चाहिए कि आर्क्यूएट जो है वो आर्चेज और बीम से रिलेटेड है, और हमारे वाले जो थे वो ट्रेबिएट्स थे, जहां पे हम पिलर्स बीम्स लेंटिल्स यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये था मतलब इंडियन जो ट्रेडिशनल इंडियन था, मतलब इस्लाम के आने से पहले उसमें कोई आर्चेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट द अर्ली बिल्डिंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी जो थी वो उसमें कोई इस्लामिक वो नहीं था, कोई आर्किटेक्चर नहीं था, वो क्या करते थे हिंदू मंदिरों को ही तोड़ते थे और उनको रिफर्बिश कर देते थे, ठीक है। सो इसलिए कोई स्लेव डायनेस्टी के टाइम ट्रूली आर्किटेक्चर में कोई खास डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला। लेटर विद इंट्रोडक्शन ऑफ टू आर्चेस स्ट्रक्चर्स लाइक अलाई दरवाजा हो गया। अलाई दरवाजा कहाँ पड़ता है, वेयर इज अलाई दरवाजा? बता ये सकते हैं? दिल्ली में ही है ना? हाँ करेक्ट, दिल्ली में जो ना कुतुब मीनार का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें बहुत दो तीन और स्ट्रक्चर्स हैं, तो अलाई दरवाजा भी वहीं पे है। एंड ये बनाया ये किसने था, किसकी? इसका आइडिया? हाँ तो ये जो था ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, ये चीज याद रखना। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, इसी कॉम्प्लेक्स में एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, कुवत उल मॉस्क। इस्लाम कुवत उल इस्लाम मॉस्क, तो ये भी इसी स्ट्रक्चर के अंदर ही बना है, ठीक ये याद रखना। एंड यही इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ना आयरन पिलर भी है, ठीक है, जो कि अशोका का जो आयरन इंस्क्रिप्शन वाला पिलर है ना, वो भी यहीं पे ही है, तो फेमस है। एंड कहते हैं उसी के नाम से ये जो नाम था दिल्ली का वो भी इसी के नाम से पड़ा था, तो उसके ऊपर और एक बैकग्राउंड स्टोरी है, उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो इन्फ्लुएंस की बात कह रहे हैं, अपोलो थी इसलैंड बराबर। सो ब्रैकेट्स, बैल्कनी, डेकोरेशन एक्सेट्रा ये देखने को मिलते थे। एंड कायोस्ट या जो छतरीस थे वो भी यहाँ पे देखने को मिले थे इनके आर्किटेक्चर में। इसके अलावा टॉल मीनार्स जो था वो भी इन्हीं के आने के बाद फेमस हुआ था, तो जैसे ताजमहल है तो उसके चारों ओर देखोगे तो टॉल मीनार्स बनी है, हाफ डोम डबल पोर्टल्स हैं, तो इस टाइप की चीजें बनी हुई है। एक इम्पोर्टेंट फीचर ये भी था कि ह्यूमन वर्शिप जो थी वो उसको अलाउ नहीं करते थे, तो कोई भी ह्यूमन फिगरीन नहीं देखने को मिलेगा। तो डेकोरेशन कैसे करते थे, तो डेकोरेशन के लिए फूल पत्ती बनाते थे, ह्यूमन और बर्ड्स एनिमल्स वो हराम माना भी, जाता है उनमें। हाँ मतलब वो ये कहते हैं कि जो लिविंग फॉर्म है उसको सिर्फ भगवान ही बना सकता है, उसको इंसान को बनाने का हक नहीं है, ठीक है। सो इसलिए वो हराम मानते थे उसको। तो जितने भी कोई ऐसे वो अगर कोई स्कल्चर वल्चर मिलता था इनको तो तोड़ देते थे। और सिर्फ प्लांट क्यों बनाते थे, क्योंकि प्लांट को लिविंग नहीं मानते थे ये लोग, ठीक है। तो इसलिए फूल पत्ती के डिजाइन देखने को मिलते थे, ज्योमेट्रिकल शेप्स, आर्बेस्ट डिजाइन ये सब बनाते थे। सो दीज डिजाइन वर कार्व्ड आउट ऑन स्टोन इन लो रिलीफ, कट ऑन प्लास्टर और पेंटेड और इनलेड, ठीक है। एंड यूज कर रहे थे लाइम मोर्टार्स का, ठीक है। तो पुराने टाइम में ये भी नहीं यूज कर रहे थे, ठीक है, मोर्टार वगैरह का इस्तेमाल इन्हीं के आने से पॉपुलर हुआ। इसके अलावा टॉम्ब आर्किटेक्चर एक फेमस फीचर था इनके आर्किटेक्चर में, तो जितने भी डेड होते थे उनके लिए ये टॉम्ब वगैरह बनाते थे। एंड टॉम के अंदर एक डोम स्ट्रक्चर रहता था जिसको हुजरा बोलते हैं, तो जो जिसके जैसे हमारे गर्भगृह होता है एकदम सेंटर में, वैसे इनमें ये हुजरा जो डोम चेम्बर था वो बिल्कुल जो सेंटर में जो कब्र होती थी उसके ऊपर बनाते थे, ठीक है। अ सेंटर ऑफ इन द सेंटर विद मीरहाब ऑन द वेस्टर्न वॉल एंड द रियल ग्रेव इन द अंडरग्राउंड चेम्बर, ठीक है। सो अंडरग्राउंड में वो मोस्टली बनाते थे उन चेम्बर्स को, तो जैसे आई गेस ताजमहल में भी शायद ऐसा ही है कि ताजमहल अंडरग्राउंड में में भी जाकर ऐसा है। ही है। करेक्ट।
तो इसमें ये चीज याद रखना कि मुगल आने के बाद, मतलब जैसे टॉम आर्किटेक्चर देखोगे तो आई आई गेस लोधी गार्डन जो बोलते हैं ना, तो ऑल्दो नाम तो उन्होंने गार्डन कर दिया बाद में ब्रिटिशर्स ने, लेकिन पहले वो सिर्फ टॉम्स ही थे, गार्डन बाद में ब्रिटिशर्स ने उन बनाए थे उनके अराउंड। ठीक है, मेरे को नाम नहीं याद रहा, बट किसी वॉइस रॉय की वाइफ ने बनाए थे वो गार्डन, पूरे गांव थे पहले वहां पे, उनको हटा के फिर गार्डन बनवा दिया वहां पे। ठीक है, लेकिन जो मुगल टॉम्स थे, मुगल के आने के बाद ये टॉम्स के अंदर एक नया इंपॉर्टेंट फीचर जोड़ा गया, विच इज चार बाग। ठीक है, चार बाग मतलब फोर क्वाड्रेंट्स के अंदर गार्डन रहेगा और उसमें से क्रॉस सेक्शनल वाटर फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली उनका आइडिया था कि जन्नत कैसा दिखेगा, तो जन्नत में ऐसा फीचर होगा, तो उसको वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते थे, उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते थे। तो सिमिलरली ताजमहल में भी देखोगे चार क्वाड्रेंट्स में गार्डन है एंड उनके राइट एंगल पे वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो और एग्जांपल की बात करें तो शालीमार गार्डन है जो कश्मीर के अंदर, वो भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, सो ये चीज याद रख सकते हैं। मुगल्स ने एक और इम्पोर्टेंट फीचर जोड़ा था, एक तो डबल डोम सिस्टम ऑफ डोम आर्किटेक्चर और दूसरा था पितृद्वारा। ठीक है, पितृद्वारा वॉज बेसिकली इनले ऑफ डेकोरेशंस इन द वॉल्स, तो वॉल्स की डेकोरेशन करते थे। तो हु वॉज एसोसिएटेड या हु इंट्रोड्यूस दिस पितृद्वारा सिस्टम, बता सकता कोई? पहले भी डिस्कस किया हुआ है, नूरजहां। ठीक है, वाइफ ऑफ जहांगीर, तो फेमस है नूरजहां जनता करके एक टर्म था, एक ब्रिटिश जो आई गेस शायद मेरे को नाम नहीं आ रहा, बट कोई ब्रिटिशर ही था जिसने ये वर्ड यूज किया था इसके लिए। ठीक है, नूरजहां जनता। सो ये था, तो ये देख लो, ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख लो या ब्रॉड डिफरेंस देख लो। एंट्रेंस जो था ट्रेबियट या जो इंडियन स्टाइल में था, उसमें ये लिंटल्स रहता था जैसे चौखट हम बोलते हैं ना, ऐसा एक स्ट्रक्चर रहता था। और मुगल्स की बात, जो इस्लामिक था इंडो इस्लामिक, उसके अंदर ये आर्ट्स टाइप का था। ठीक है, ऐसा एक ऊपर डोम शेप लगता था। टेम्पल्स में हमारे पास शिखरा था, तो इन्होंने डोम्स इंट्रोड्यूस कर दिया। मीनार सिस्टम ये पर्शियन इन्फ्लुएंस से आया था, तो एब्सेंट था, एंड ये जो इंडो इस्लामिक था उसके अंदर प्रेजेंट था। मटेरियल यूज करते थे, तो यहाँ पर स्टोन मोस्टली यूज करते थे। ठीक है, और यहाँ पे ब्रिक लाइम मोर्टार का यूज करते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। आरबेस्ट मेथड देख लो, तो आरबेस्ट में जैसा भी हमने पढ़ा कि वो लिविंग बींग्स बनाना उसके अंदर अलाउड नहीं था, तो वो पेंटिंग करने के लिए आरबेस्ट स्टाइल को यूज करते थे, जो कि एक वेजिटेबल वेजिटल ऑर्नामेंटेशन होता था। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते थे और उसके थ्रू उसको ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते थे। तो ये आर्बिस्ट मेथड था उनका डेकोरेशन का। ठीक है, सो डिफरेंट डायनेस्टीज के अंदर देख लेते हैं क्या क्या इन्फ्लुएंस था। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290, सो इलाबारी डायनेस्टी भी बोलते हैं। आई थिंक इलाबारी शायद पुरानिक टर्म है फॉर स्लेव्स, राइट? सॉरी, वो शायद मामलुक है, इलाबारी तो वो डायनेस्टी थी। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था कोई बता सकता है, स्लेव डायनेस्टी इंडिया में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, वो स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, उससे स्टार्ट हुआ था ये डायनेस्टी। एंड एंड किससे हुआ था, एनी आइडिया? बलबन तो बलबन एक लास्ट, हाँ लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर बलबन था, बट उसके भी बेटे वगैरह थे, बट इम्पोर्टेंट बलबन ही था। ठीक है, मैं सो यस, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो कुवतुल इस्लाम मॉस्क बनाया था जो अभी हमने डिस्कस किया, जो कि ये जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा अढ़ाई दिन का झोपड़ा बोलते हैं, तो ये अजमेर में, अजमेर करेक्ट, अजमेर में बनाया गया था। इसके लिए भी बोलते हैं कि ये कोई हिंदू टेम्पल था, उसी का तोड़ताड़ के ये मटेरियल यूज किया था। तो ऐसा कोई इसमें कोई ग्रैंडियर स्ट्रक्चर नहीं तैयार था, बस पार्ट्स इधर उधर से निकाल के या फिर रिफर्बिश कर दिया था उन्होंने। ठीक है, सो ये था। इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ और इम्पोर्टेंट था इसके अंदर, तो ये देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं, खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी भी द स्टाइल डेवलप बाय देम वाज नोन एज सेल्जुक स्टाइल। ठीक है, तो सेल्जुक स्टाइल एसोसिएटेड है खिलजी डायनेस्टी से। तो
मतलब इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था खिलजी डायनेस्टी में, अलाउद्दीन खिलजी था। कुवत उल इस्लाम मॉस्क के आसपास इसने पूरा गेटवेज बनाए थे, और उसी एक गेटवे का नाम था अढ़ाई दरवाजा, अलाई दरवाजा। ठीक है, सो वो चीज था। तो रेड सैंड से उनसे बनाया गया, इतना याद रख सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, तुगलक्स। तो अगेन तुगलक्स का टाइम पीरियड थोड़ा सा क्योटिक ज्यादा था, तो इतना आर्किटेक्चर बनाने में इनको टाइम मिला नहीं। और जितना भी इन्होंने आर्किटेक्चर बनाया वो सेफ गार्ड उससे बनाया था कि हम लोग अगर कोई अटैक होता तो बच सके। ठीक है, तो हैवी, मैसिव, रगड और सिंपल था। इम्पोर्टेंट एक यूनिक डिस्टिंक्शन ये था, ग्रे सैंडस्टोन यूज किया था। ठीक है, और मिनिमम डेकोरेशन थे, क्योंकि फोकस जो था वो डिफेंस पे था, ना कि आर्किटेक्ट के उसको ग्रैंडियर बनाना है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्राइसिस पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। एंड स्लोपिंग वॉल्स बनाते थे। ठीक है, बैटर बेसिकली उसको कहते हैं, वो जो वॉल्स को सपोर्ट देने के लिए होते हैं बैटर। बटेर या बैटर जो सिस्टम था, तो स्लोपिंग वॉल्स रहते थे। ठीक है, एक तो अटैक हो तो वॉल्स थोड़ा फोर्टिफाइड हो, ठीक है, उसको गिराना इतना आसान हो, और दूसरा उस पर चढ़ना आसान ना हो। ठीक है, तो इस टाइप से बटेर सिस्टम रहता था। एंड फॉल्स आर्चेस डोम जो थे वो थोड़े से फीचर थे जो इन्होंने लगाए थे, इस विच वर काइंड ऑफ इम्पोर्टेड फ्रॉम सीरिया एंड बाइजेंटाइन एम्पायर। ठीक है, तो ये तुगलक्स था। तो मतलब थोड़ा सा स्टोरी लाइन पता रहेगा ना, कि क्योंकि पीरियड क्योटिक था तो इसलिए ज्यादा कुछ काम नहीं किया था, तो इस टाइप से एलिमिनेशन वगैरह में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, और ग्रे सैंडस्टोन जो था वो एक इम्पोर्टेंट यूज था। नेक्स्ट चलते हैं, सय्यद डायनेस्टी। तो सय्यद डायनेस्टी भी अगेन एक बहुत ही नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी था। ठीक है, ज्यादा कुछ टाइम मिला नहीं इन्हें भी काम करने का। तो कुछ एक जो फीचर्स इन्होंने ऐड किए थे, ऑक्टागनल टॉम्ब्स बनाए थे। ठीक है, पोज आर डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल कैरेक्टर। इसके अलावा लोटस मोटिव जो था वो यूज करते थे उन टॉम्ब्स को क्राउन करने के लिए। ठीक है, फ्री यूज ऑफ गुलदस्ता कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस द स्टाइल ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड। ठीक है, तो सैयद पीरियड था नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था इनको इतना कुछ करने के लिए। फिर आया लोधी। तो लोधी भी अगेन थोड़ा सा इस्लामिक, जो कह सकते हैं ना कि रेडिकलिज्म थोड़ा सा ज्यादा था इनके अंदर, तो इन्होंने भी इतना कुछ ज्यादा काम किया नहीं टुवर्ड्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बट कुछ जो फीचर्स इन्होंने ऐड किए थे, लाइक इनेमल टाइल डेकोरेशन टेंडेड टू बी रिचर एंड मोर लेविश, एंड द टॉम आर्किटेक्चर पीरियड ऑफ इज टू टाइप, एक तो ग्रे ग्रेनाइट वॉल्स एंड वन इज ऑक्टागनल इज डिजाइन हैविंग ए वेरेंडा। ठीक है, अ स्पेशियस समवॉट ऑर्नामेंटल गार्डन्स इनक्लोजेस द टॉम व्हिच गिव्स द सेमब्लेंस ऑफ एन एलिगेंस। तो सिकंदर लोदी का ये जो टॉम है आगरा के अंदर है, एंड आगरा को उन्होंने कैपिटल बनाया था। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता था कि अकबर ने एस्टैब्लिश किया था आगरा को एस कैपिटल, तो उससे पहले भी सिकंदर लोदी ने एस्टैब्लिश कर दिया था आगरा को एस कैपिटल। ठीक है, सो ये चीज था। नेक्स्ट चलते हैं प्रोविंशियल स्टाइल्स पे। तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, तो अगर बात करें तो ये ज्यादा डिफरेंट नहीं था जो बाकी इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स देखते हैं। बट इसके अंदर एक ये चीज था कि जो रूफ था वो एक काफी डिस्टिंक्ट था, मतलब एक स्लोपिंग रूफ रहता था। तो इसी क्योंकि यूनिक फीचर था, इसी नाम से फिर वो बंगाल रूफ के नाम से जाने लगे। ठीक है, तो स्लोपिंग कॉर्निकल्स रहते थे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बैम्बू कंस्ट्रक्शन। तो वहां का जो लोकल मटेरियल है उसी को यूज करके ये बंगाल रूफ जो स्टाइल था ये डेवलप किया था। सो ब्रिक वॉज अ चीफ मटीरियल, क्योंकि वहां पे वो एलुवियल सॉइल अच्छा मिलता था तो वही यूज करते थे। और जो पिलर्स है वो दे वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड विद दीज ब्रिक्स, और छोटे रहते थे और स्क्वायर रहते थे। ठीक है, सो आई यूजली फॉर आर्कुएट फॉर ट्रेबियट कंस्ट्रक्शन नॉर्मली यूज फॉर स्टोन्स। ठीक है, सो अगर वो थोड़ा मुस्लिम स्टाइल का डोम स्ट्रक्चर डालाना होता था तो स्टोन यूज करते थे, सॉरी ब्रिक्स यूज करते थे, और जो इंडियन स्टाइल ऐड करना था तो स्टोन यूज करते थे। ठीक है, सो ये था। एट गौर द अर्लीस्ट बिल्डिंग रिप्रेजेंटिंग द कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्नामेंटल मेथड ऑफ द स्टाइल इज धकील दरवाजा बिल्ड बाय बरबक शाह एज अ सेरेमोनियल गेटवे इन फ्रंट ऑफ द सिटाडेल। ठीक है, तो ये देख लेना, बंगाल रूफ एक इम्पोर्टेंट फीचर था, और अधूना मस्जिद ये एक इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन था इस आर्किटेक्चर का। तो कोई बता सकता है ये अधूना मस्जिद कहाँ पड़ता है? एनीवन? वेस्ट बंगाल ही है क्या? हाँ करेक्ट, वेस्ट बंगाल ही है। तो
मालदा जो डिस्ट्रिक्ट है ना वेस्ट बंगाल का, वहां पे पड़ता है इसी याद रखना। और नेक्स्ट पे चलते हैं मालवा आर्किटेक्चर। तो मालवा एज अ प्लेस अगर बात करें तो कहाँ पे पड़ता है अभी रफली, कोई आइडिया किसी को मालवा कहाँ पड़ता है? एमपी। करेक्ट। तो एमपी का रीजन हो गया एमपी राजस्थान। तो ये एमपी का लैंड में जो डिवाइड करते हैं बेसिकली इसको, राइट, तो कर्नाटका एमपी, टू। तो एमपी का जो रीजन है ना और राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ वाला रीजन है वो सब कलेक्टिवली मालवा बोलते थे उनको। ठीक है। सो असेंशियली आर्कवेट स्टाइल यूज हो रहा था मालवा के अंदर, एंड सम ऑफ द ओरिजिनल फीचर्स वर स्किलफुल एंड एलिगेंट यूज ऑफ आर्च एंड बीम। ठीक है। तो मालवा जो है अगेन जो मुस्लिम रूलर्स थे, मतलब हिंदू भी थे बट मुस्लिम्स का बाद में इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया था, तो ये आर्कुएट स्टाइल देखने को मिलता है। लॉफ्टी टेरेसेस थे, वेल प्रोपोर्शन स्टेयरवेज एंड काफी सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। एग्जाम्पल रानी रूपवती पवेलियन, अशरफ अली महल, जहाज महल, मांडू फोर्ट। ठीक है। तो ये पूरा के पूरे डिस्टिंक्ट रीजन थे जहां जहां पे ये चीज बनी थी। ठीक है। रानी रूपमती पवेलियन, जहाज महल देख लो, तो एकदम ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर कोई जहाज ही बना दिया, तो वो जहाज महल नाम पड़ गया। ठीक है। नेक्स्ट देख लो, आई थिंक अभी रिसेंटली शायद ओरछा का भी नाम काफी आ रहा था ना, ओरछा भी शायद WHS में है, राइट? तो वो भी देख लेना। नेक्स्ट, जौनपुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो जौनपुर यूपी का जो रीजन है वहां पे डेवलप हुआ था। तो ये जो था ये तुगलक पीरियड के दौरान एमर्ज हुआ था। एंड यहाँ पे देख लो अटाला मॉस्क का, ये जौनपुर के अंदर ही। तो इसके अंदर क्या करते थे कि ये फसाड बनाते थे, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते थे सिर्फ शो के लिए था, मतलब उसका कोई यूटिलिटी नहीं था। तो ऐसा एक टेम्प ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया और विंडोज जो थी ये कवर्ड थी। ठीक है। इनमें शायद कुछ कुछ वो अरेबिक में लिख के रखते हैं, अभी शायद इस इमेज में क्लियर नहीं है। ठीक है। तो ये अटाला मॉस्क है। सो इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई तुगलक एंड एक्सप्रेस्ड इन द ह्यूज इम्पोजिंग प्रो पाइलॉन स्क्रीन फिलिंग द सेंटर एंड साइड बेस ऑफ द प्रेयर हॉल। इट वॉज डेवलप्ड बाय द शर्की डायनेस्टी। ठीक है। शर्की स्टाइल भी बोलते हैं इसको। तो तुगलक पीरियड में जरूर बनी थी लेकिन तुगलक्स का कोई रोल नहीं था, ये अलग ही डायनेस्टी थी शर्की, उन्होंने जौनपुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को डेवलप किया था। नेक्स्ट चलते हैं बीजापुर पे। तो हमें पता है बीजापुर जो था ये जो बहामनी किंगडम था, उस जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसमें से बीजापुर निकला। तो बीजापुर का इम्पोर्टेंट ये आर्किटेक्चर गोल गुम्बज। ठीक है। सो जो आदिल शाही डायनेस्टी थी उसने इसको डेवलप किया, और गोल गुम्बज जो है ये मुजोलियम है मोहम्मद आदिल शाह का। ठीक है। एंड इज द लार्जेस्ट डोम क्यूबिकल इन द वर्ल्ड। ठीक है। इतना बड़ा डोम बनाना भी बहुत एक आर्किटेक्चरल मार्वल ही कह सकते हैं। ठीक है। सो इट्स अंडरग्राउंड वॉल्स कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर ग्रेव चेंबर एंड अ लार्ज सिंगल स्क्वायर चेंबर अराउंड द ग्राउंड, द लार्ज हेमिस्फेरिकल ड्रोम सराउंडिंग इट एंड देन सेवन स्टोरीड ऑक्टागोनल टावर्स ऑन इट्स कॉर्नर टेंड टू गिव इट्स यूनिक शेप एंड ईच ऑफ द वॉल हैज थ्री रेसिड आर्चेस। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट फीचर ये रहता था कि साइड्स के अंदर कार्विंग्स करी हुई थी। ठीक है। सो वो एक इम्पोर्टेंट फीचर था। तो लार्ज डोम है हेमिस्फेरिकल बट विद कवर्ड विद रोज ऑफ पेटल्स एट द बेस। ठीक है। तो गोल गुंबज के बारे में ये याद रख सकता है। नेक्स्ट मुगल पीरियड की बात करते हैं। तो जो इंडो मुस्लिम आर्किटेक्चर था उसको उन्होंने हिंदू आर्किटेक्चर के साथ ट्रांसफ्यूज करने की कोशिश किया एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाए। और हम बात करते हैं अगर आर्किटेक्चर की, तो इट रीच इट्स जेनिथ अंडर शाहजहां। ठीक है। शाहजहां के अंदर अपने एपिक्स पे पहुंच गया था एक तरीके से। सो स्टार्टिंग की बात करें, बाबर के टाइम तो इतना कोई आर्किटेक्चर पे ध्यान दिया नहीं क्योंकि अगेन क्योटिक पीरियड था, शॉर्ट पीरियड था, 4 साल के लिए रूल कर पाया था एंड उसके बाद डेथ हो गई थी। उसके बाद हुमायूं आया तो अगेन पीरियड थोड़ा क्योटिक ही था, ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला। बट ये थोड़ा सा देख लेना कि जब शेरशाह ने आए थे तो उसके बाद कुछ एक स्ट्रक्चर्स बने थे, जैसा पुराना किला है अभी दिल्ली के अंदर, किला कोहिना मस्जिद इन साइड दैट पुराना किला, ये सब शेरशाह सूरी ने ही बनाए थे। ठीक है। तो फिर जब शेरशाह सूरी का एंड होता है एंड वापस आते हैं हुमायूं, तो सिंस ही वॉज लिविंग इन ईरान दैट टाइम, तो वहां से बहुत सारा ईरानियन इन्फ्लुएंस आता है, तो बहुत सारा पर्शियन आर्किटेक्चर आता है। तो जो हुमायूं का टॉम्ब है इट्स बिल्ड इन दिल्ली एंड इट वॉज बिल्ड बाय हिज विडो बेगम, बेगम शायद हजरत महल ने बनाया था। ठीक है। सो
टॉम इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर, मतलब इसमें बहुत सारे इरानियन स्टाइल आर्किटेक्चर यूज किया गया, जैसे ब्लू टाइल डोम, ठीक है। ये नीला डोम जो था इंडिया के अंदर इस टाइप का आर्किटेक्चर एब्सेंट था, ये आया ही पर्शियन से है, ठीक है। सो वो चीज आई थिंक इसमें भी है, हुमायूं टॉम में भी एक ब्लू कलर का डोम है इसके अंदर। लेटर जहांगीर के लिए शाहदरा में, लाहौर में, और फिर ताजमहल जो था आगरा के अंदर बनाया गया। ऑल्दो सिकंदर लोधी टॉम एज द फर्स्ट गार्डन टॉम वॉज बिल्ड इन इंडिया, इट वॉज हुमायूं टॉम विच स्ट्राइक्स अ नोट, ठीक है। वो ज्यादा इम्पोर्ट पॉपुलर बना है, ठीक है। सिकंदर लोधी का जो गार्डन वाला जो आइडिया है वो बना भी बाद में, जैसे बताया ब्रिटिशर्स ने उस चीज को बना दिया था, इनिशियली वो नहीं था। और चार बाग स्टाइल इंट्रोड्यूस किया था, और पितृ दौरा जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके अलावा कुछ फोर्ट्स जो बनाए गए थे, तो जैसे आगरा का जो फोर्ट है उसमें रेड सैंडस्टोन यूज किया गया था, ठीक है। आगरा का जो ताजमहल है उसमें व्हाइट मार्बल यूज किया गया था, तो ये डिफरेंट मटेरियल्स यूज किए गए थे। और जो दिल्ली का जो रेड फोर्ट है उसमें अगेन रेड सैंडस्टोन यूज किया गया था, ठीक है। तो ये चीज याद रख सकते हो। एंड अकबर के टाइम एक इम्पोर्टेंट सिटी बनाया गया था फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट सूफी मिस्टिक थे शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। तो इनको एक तरीके से रेस्पेक्ट देने के लिए अकबर ने ये सिटी बनाया था, क्योंकि उन्हीं के शायद आशीर्वाद से उसके बच्चे बच्चे हुए थे, तो उसी उनके रेस्पेक्ट में ये फतेहपुर सीकरी सिटी बनाया गया था। एंड इसमें कई इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है। लेकिन पानी का शायद इश्यू था जिसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ा था, वेकेट कर दिया था। सो कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर देख लो, पांच महल, द हाइएस्ट एंड द मोस्ट इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर, द पैलेस ऑफ 5 स्टोरी, ठीक है। 5 स्टोरी बिल्डिंग थी, एंड इसमें झरोखा जो रहता था, ठीक है, झरोखा मतलब विंडोज रहती थी जिससे वो लोगों को एक तरीके से दर्शन देते थे। इसके अलावा दीवाने खास, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, तो यहाँ पे रहता था, ठीक है। तो दीवाने खास में वो मोस्टली जो डिबेट्स होती थी या जो इम्पोर्टेंट पीपल थे उनको एंटरटेन करते थे यहाँ पे, ठीक है। तो होता है ना वो दीवाने खास और दीवाने आम, आम मतलब आम में वो नॉर्मल जनरल पब्लिक पब्लिक, बैठती थी। राइट। तो बिसाइड दैट, खास महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद, एज वेल एज जामा मस्जिद इन दिल्ली, शाहजहां इरेक्टेड मोस्ट रोमांटिक फैबुलस बिल्डिंग, दैट इज ताजमहल। तो मुमताज महल जो थी उनके लिए वो बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज याद रख सकता है। पितृ दौरा स्टाइल भी इसमें आई गेस यूज किया गया था, बट बाद में जो लोग है वो सब वो स्टोन्स वगैरह चुरा के ले गए थे, ठीक है। ऑलराइट, तो यही था इसके अंदर। बाद में औरंगजेब पता ही है इतना ज्यादा कुछ एक्सक्विजिट करता नहीं, ऑल्दो ही ट्राइज टू मिमिक ताजमहल, लेकिन वो बहुत बैडली फेल करता है। ऑल्दो ट्राई उसने भी नहीं किया होता, वो औरंगजेब के एक बेटा ट्राई करता है, जिसको हम बीवी का मकबरा नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है पुअर मैन ताजमहल बोलते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि वो उतना अच्छा रेप्लिका नहीं है आई गेस यहाँ पे होगा शायद। महाराष्ट्र तो ये देख लो, ऐसा लग रहा है कि ताजमहल डाइटिंग पे था थोड़ा, तो इसलिए बोलते हैं पुअर मैन ताजमहल है इसको, ठीक है। तो बहुत बेकार कोशिश की गई थी। इसके अलावा जाली वर्क, ठीक है, जाली वर्क मतलब ऐसा वर्क करते थे कि एक साइड ऑफ विंडो से देख सकता है, दूसरी साइड से कोई नहीं देख सकता। तो इस टाइप के काफी अच्छे जो आर्किटेक्चर थे वो इन्होंने इनकॉर्पोरेट कराए थे। इसके अलावा एक फेमस पीकॉक थ्रोन डेवलप किया था शाहजहां के पीरियड के अंदर, पीकॉक थ्रोन, जिसको बाद में नादिर शाह वगैरह जो है वो उठा के ले जाता है यहाँ से, ठीक है। सो वो चीज याद रख सकते हैं। राइट, तो यही था। 2014 में क्वेश्चन था अकबर पे, वो इबादत खाना क्या होता है। तो इबादत खाना जो था वो क्योंकि ऑल्दो ही वॉज नॉट लिटरेट, लेकिन उसको वर्ल्डली थोड़ा नॉलेज था, तो उसने ही वॉज नॉट कन्विंस्ड बाय द आइडियाज गिवन बाय द मुस्लिम सेंट्स या सूफी स्कॉलर या जो भी ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर्स थे, उनके आइडिया से वो सेटिस्फाइड नहीं था, तो इबादत खाना उसने बनाया था। सो इट वॉज अ डिबेटिंग रूम, तो वो अलग अलग रिलीजन के लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुलाकर वहां पे डिस्कशन कराता था, ठीक है। प्लेस फॉर रिलीजियस डिस्कशन ऐसे करके। बाद में उन्होंने इसको बंद भी कर दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सब लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं,
ये बंद कर दिया गया था इबादत खाना, और इसके बाद उन्होंने अपना एक रिलीजन प्रोपोगेट करने की कोशिश किया था, तो उसका कोई नाम बता सकता है क्या? सुलह कुल। ओ क्या सुलह कुल करके था वो। ऑलराइट ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मॉडर्न इंडिया पे आ जाता है, तो यूरोपियन जो पोर्टुगीज थे उनके आने इसके वजह से जो विक्टोरियन स्टाइल है वो डेवलप होने लगा। ठीक है, तो विक्टोरियन स्टाइल जो था वो हाउ वाज इट डिफरेंट? तो विक्टोरियन स्टाइल के अंदर अपना ही वो आर्किटेक्चर था, उसको प्रमोट करना चाह रहे थे। ठीक है, सो आई गेस यहाँ पे टेबल दिया होगा। राइट, सो डिस्टिंक्ट फीचर था ये इसका कि हाँ, ये जो डोम रूफ है ये सब इन्होंने उड़ा दिया था और स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स बना देते थे। ठीक है, एकदम स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स हो गया, एंड ब्रेक मोर्टार और जो व्हाइट कलर है उसका यूज करते थे अपने आर्किटेक्चर में। एंड इसके अलावा म्यूजियम्स वगैरह बनाए गए हैं जयपुर, मो मार्केट इन मद्रास, तो ये कुछ फेमस एग्जाम्पल थे इनके। ठीक है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आई डोंट थिंक अभी इस टॉपिक में से एटलीस्ट सवाल आया, तो इसको अगर स्किप भी कर देंगे तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये विक्टोरियन स्टाइल के कुछ इम्पोर्टेंट। इसमें एक सेंट फोर्ट विलियम भी था ना कैलकटा, और सेंट फोर्ट जॉर्ज एट मद्रास, वो उनके ही बनाए थे ना ब्रिटिशर्स से, तो भी राइट। स्ट्रक्चर्स थे। तो ये देख लेना, फोर्ट विलियम जो है वो जॉब चर्नॉक से रिलेटेड था, उन्होंने वो कैलकाटा सिटी बनाया था एंड फोर्ट विलियम को बनाना शुरू किया था। सेंट फोर्ट जॉर्ज जो था चेन्नई में बनाया था। ठीक है, तो ये देख लो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जो पहले शायद वॉइसरॉय का ऑफिस यहीं से वर्क करता था जब वो बंगाल में थे। ठीक है, तो ये था। बाकी फिर धीरे धीरे वो जब पार्लियामेंट वगैरह बिल्डिंग बनाने लगे तो उन्होंने सारे स्टाइल को एक इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो जो दिल्ली है उसको डिजाइन किसने किया था? एडविन एडविन लुटियंस है लुटियंस। क्या? हाँ, तो दो थे, एडविन लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ठीक है, तो लुटियंस जोन भी कहते हैं अभी दिल्ली के अंदर है एरिया। ठीक है, तो इन दोनों ने डिजाइन किया था राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट जो अभी हमने डिस्कस किया, 64 योगिनी टेम्पल। तो इसमें सब सारे जो इंडियन स्टाइल के आर्किटेक्चर थे उनको यूज करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो इतना ही था। आई डोंट थिंक बाकी इस टॉपिक में कुछ इम्पोर्टेंट है। इबेरियन और गॉथिक में थोड़ा सा डिफरेंस देख लो। इबेरियन मतलब इबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं ना, इबेरियन पेनिनसुला इज रिलेटेड टू स्पेन एंड पोर्टुगल। ठीक है, सो यहाँ पे मटेरियल यूज में डिफरेंस क्या था? ब्रिक एज द मेन मटेरियल एंड वुडन रूफ एंड स्टेयर्स, लेकिन जो ब्रिटिश था गॉथिक स्टाइल, रेड सैंडस्टोन एंड कोरस लाइमस्टोन यूज कर रहे थे। इसीलिए देखो वो राष्ट्रपति भवन जो है उसमें वो रेड सैंडस्टोन यूज करा हुआ है। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर का वेरिएशन की बात करें तो नो क्रिएशन ऑफ न्यू शेप्स, री इंटरप्रेटेड वेस्टर्न स्टाइल। एंड गॉथिक का बात करें तो इन्होंने नए नए आर्किटेक्चर्स और शेप्स यूज किए। प्लास्टर कार्विंग तो प्रोमिनेंट फीचर था, यहाँ पे एबसेंट था। ठीक है, बाकी लॉरी बेकर, कार्ल हाइंस, ली कॉर्बूसियर, जिन्होंने चंडीगढ़ डिजाइन किया था पूरा का पूरा, तो ये कुछ फेमस आर्किटेक्ट्स थे। ठीक है, तो इतना ये एटलीस्ट ये जो ब्रिटिश इंडियन वाला पार्ट है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कभी मैंने सवाल देखा नहीं इस पार्ट से, तो इस पर इतना फोकस नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, फालतू इन्फॉर्मेशन है। मोस्टली जो मिडिवल पार्ट है उस पर थोड़ा सा फोकस करना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कुछ और ऐड करना?